नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री कड़वीबाई वीराणी कन्या विद्यालय आपनो हार्दिक स्वागत करे छे। धोरण 9 विषय विज्ञान चेप्टर 2 आपणी आसपासना द्रव्यो शुद्ध छे। विद्यार्थी मित्रों, आजे आपणे धातु अधातुना गुणधर्मो विषय अभ्यास करीशुं। धातु तत्वो नीचेना पैकी बधा ज अथवा तो अमुक गुणधर्मो धरावे छे। धातुओ चढ़काट धरावे छे, केटलीक धातुओ चांदी जेवो चढ़कतो श्वेत अथवा सोना जेवो सोनेरी पीळो रंग धरावे छे। धातुओ विद्युत अने उष्मानी सुवाहक होय छे। धातुओ तणावपणू अने टीपावपणू धरावे छे, एटले के एने खेंचीने तार पण बनावी शकाय अने टीपीने पतरा बनावी शकाय छे। धातुओ रणकार उत्पन्न करे छे, एटले कोई धातुने अफड़ावीए तो एमांथी अवाज आवे छे, एने रणकार उत्पन्न करे छे एम कहेवाय। एटले धातुओ रणकार धरावे छे। सोनू, चांदी, कोपर, लोखंड, सोडियम अने पोटेशियम ओरडाना तापमाने घन स्वरूपनी धातुओ छे, ज्यारे मर्क्यूरी एटले के पारो એ માત્ર એક જ પ્રવાહી સ્વરૂપની ધાતુઓ છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને ટૂંકા પ્રશ્નોમાં ઘણી વખત પૂછે કે પ્રવાહી ધાતુનું નામ આપો, તો આપણે પારો એ પ્રવાહી ધાતુ છે। અધાતુ તત્વોના ગુણધર્મો, અધાતુ તત્વો નીચેના પૈકી બધા જ અથવા તો અમુક ગુણધર્મો ધરાવે છે। અધાતુ તત્વો વિવિધ રંગ ધરાવે છે, તેઓ વિદ્યુત અને ઉષ્માના મંદવાહક હોય છે, તેઓ તણાવપણું, ટીપાવપણું કે ચળકાટ જેવા ગુણધર્મો ધરાવતા નથી, અપવાદરૂપ કોક હોઈ શકે। હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન, આયોડિન, કાર્બન, બ્રોમિન, ક્લોરિન એ અધાતુ તત્વો છે। અર્ધધાતુ તત્વો, અમુક તત્વો ધાતુ અને અધાતુ તત્વોની વચ્ચેના ગુણધર્મો ધરાવે છે, તે તત્વોને અર્ધધાતુ તત્વો કહેવામાં આવે છે। દાખલા તરીકે બોરોન, સિલિકોન, જર્મેનિયમ એ અર્ધધાતુ તત્વો છે, એ વિદ્યુતના અર્ધવાહકો હોય છે। સંયોજન, બે અથવા તો વધારે તત્વો રાસાયણિક રીતે ચોક્કસ પ્રમાણમાં એકબીજા સાથે જોડાઈને ત્યારે બનતા નવા ગુણધર્મોવાળા પદાર્થને સંયોજન કહેવામાં આવે છે। એ પછી તત્વોના ગુણધર્મો જે સંયોજન છે એ તત્વોના ગુણધર્મો ધરાવતું નથી, અલગ જ ગુણધર્મ ધરાવે છે। સંયોજન બનતી વખતે તત્વો છે વજનના નિશ્ચિત પ્રમાણમાં સંયોજાય છે। દાખલા તરીકે પાણી એ હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન એ બે તત્વોનું 1:8 પ્રમાણમાં બનેલું સંયોજન છે। સંયોજનના ગુણધર્મો તેના ઘટક તત્વોના ગુણધર્મો કરતા અલગ પડે છે। દાખલા તરીકે પાણી એ હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનના ગુણધર્મ ધરાવતું નથી, ભલે એ સંયોજન છે એ હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનનું બનેલું હોય, છતાં એ હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનના ગુણધર્મો ધરાવતું નથી। એવી જ રીતે બીજું સોડિયમ ક્લોરાઇડ છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, સોડિયમ અને ક્લોરિન, સોડિયમ તમને ખબર છે હવામાં રહેતા સળગી જાય છે, ક્લોરિન છે એ ઝેરી છે, પણ બંનેનું સંયોજન થાય ત્યારે અલગ જ પ્રકારના ગુણધર્મો ધરાવે, જેને સોડિયમ ક્લોરાઇડ કહીએ છીએ, એટલે મીઠું કહીએ છીએ, જે આપણે ખાવામાં ઉપયોગમાં લઈએ છીએ। એટલે સંયોજનના ગુણધર્મો છે એ તત્વોના ગુણધર્મો કરતા અલગ હોય છે। સંયોજનના ઘટકોને રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ દ્વારા છૂટા પાડી શકાય, પરંતુ ભૌતિક ક્રિયાઓ દ્વારા છૂટા પાડી શકાતા
नहीं। भौतिक क्रियाओं गरम करव ए भौतिक क्रिया है, ठंडू पाड़व गरम करव हवा में उपणु ए भौतिक क्रियाओ है, एना द्वारा आपणे एने छूटा पाड़ी सकता नहीं। पण रासायणिक प्रक्रिया द्वारा एने छूटा पाड़ी शकीए छे। दाखला तरीके पाणी छे ए हाइड्रोजन अने ऑक्सिजननुं मिश्रण छे, तेने भौतिक प्रक्रिया द्वारा आपणे हाइड्रोजन अने ऑक्सिजन जुदा पाड़ी शकता नथी, परंतु विद्युत विभाजन पद्धति द्वारा आपणे हाइड्रोजन अने ऑक्सिजन पाणीमांथी जुदा पाड़ी शकीए छीए। विद्यार्थी मित्रों आ प्रयोग आपणे लेबोरेटरी में करशो। मिश्रण ने संयोजन, मिश्रण आ तफावत है विद्यार्थी मित्रों, परीक्षा में घनी वक्त तफावत आपने पूछाय। तत्वों अथवा तो संयोजनों एक बीजा साथ मिश्र थी मिश्रण बनावे, परंतु कोई नवा संयोजन ए निर्माण थतु नथी। तत्वों एक बीजा साथ प्रक्रिया थी नवा संयोजनों बनावे छे। मिश्रणनी संरचना ए परिवर्तनशील होय, वधु ओछा प्रमाणमां पदार्थों आपणे मिक्स करी शकीए। ज्यारे नवा सर्जाता पदार्थनुं घटक प्रमाण हमेशा निश्चित होय छे। एटले पाणी जो तमे कोई पण जग्याए लियो तो हाइड्रोजन अने ऑक्सिजननुं प्रमाण हमेशा 1:8 ना दर प्रमाणमां ज होय छे, ए निश्चित होय। ज्यारे मिश्रण छे ए निश्चित होतुं नथी, ए परिवर्तनशील छे। मिश्रण तेमां रहेला घटक कणो एटले के घटक पदार्थोना गुणधर्मो धरावे छे। मिश्रण होय एनी अंदर जे तत्वों छे घटक कणो पदार्थो छे ई पोतपोतानो गुणधर्म जाळवी राखे छे। ज्यारे संयोजनमां नवा सर्जाता पदार्थोना गुणधर्मो मूळ पदार्थना गुणधर्मोथी संपूर्ण रीते अलग ज होय छे। मिश्रणमां तेना घटकोने भौतिक पद्धतिओ द्वारा सरळताथी अलग करी शकाय, परंतु संयोजनमां तेना घटकोने मात्र रासायणिक अथवा तो वीज रासायणिक प्रक्रिया द्वारा ज अलग करी शकाय छे। विद्यार्थी मित्रों द्रव्यनो रासायणिक अने भौतिक प्रकृति एटले के स्वभावना आधारे रेखात्मक रजूआत आपणे करेली छे। द्रव्य घन प्रवाही के वायु, शुद्ध पदार्थ मिश्रण बे आपणे विभाग पाड्या छे। शुद्ध पदार्थ में तत्वों संयोजनों, मिश्रण में समांग मिश्रण अने विसमांग मिश्रण। तत्वों द्रव्यनु मूलभूत स्वरूप छे, तेनु वधु सरल घटकों में विभाजन अशक्य छे। दाखला तरीके लोखंडनो टुकड़ो लईए तो ए फेरिक छे, टुकड़ा करता जईए छेले Fe ज वधे, एनु आपणे विभाजन करी शकता नथी। दाखला तरीके तांबु, ऑक्सिजन, पारो वगैरे छे ए मूलभूत तत्व छे, एनु आपणे विभाजन करी शकता नथी। संयोजन ते निश्चित बंधारण धरावे छे, तेनु विभाजन शक्य छे। दाखला तरीके पाणी ए संयोजन छे, एने आपणे जुदा पाड़ी शकीए छी। मीठू, सोडियम क्लोराइड, मिथेन, खांड वगैरे छे ई संयोजनो छे। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों समांग मिश्रण जोईए तो भौतिक स्थिति समान होय छे। दाखला तरीके पाणीमां खांड, पाणीमां मीठू वगैरे
समांग मिश्रण छे। विसमांग मिश्रण में विद्यार्थी मित्रों भौतिक स्थिति असमान होय छे। दाखला तरीके पानी नी अंदर आपणे तेल नाखी ए विसमांग मिश्रण छे। जो रेती अने मीठू, खांड अने मीठू ए केवा छे? विसमांग छे, जुदा पड़ता। आ गण आपेलू छे, मैं तमने एक प्रवाहीनु उदाहरण आप्युं छे, बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों आज आपणे आ लेसन में द्रव्य घन प्रवाही ने वायु त्यार पछी अधातु तत्वों धातु तत्वों ने गुणधर्मो एना उदाहरणों विषय अभ्यास कर्यो। नेक्स्ट पीरियड में आपणे वधारे अभ्यास करीशुं। विद्यार्थी मित्रों आ पाठ अहीं आपणो पूरो थाय छे। नेक्स्ट पीरियड में नवा पाठ की चर्चा करशू। आवजो, नमस्कार।